बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 7, वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, द लंबर रूम, विच इज़ प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 95। ओके स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 95। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द वर्ड्स टू नो। हियर आर सम न्यू वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर्स विद एक्सप्लेनेशन आर सिनोनिम्स। ओके, द लंबर रूम, फालतू चीज़ों का कमरा। आंट बाय असर्शन द लेडी हु कॉल्ड हरसेल्फ हिज आंट, ऐसी औरत जो ख़ुद को किसी की आंट कहलाए या खाला कहलाए। डिप्रेविटी, सिनफुलनेस, यानी कि जुर्म, कोई ख़ता, कोई गुनाह। डिसर्नमेंट, द एबिलिटी टू टेल वेदर समथिंग इज़ गुड और बैड और टू सी क्लियरली, ऐसी काबिलियत जिससे पता चले कि कोई चीज़ गलत है या कोई चीज़ सही है। Forfeited, lost the right to do something, go to the seaside because of his crime, जैसे कि किसी कुछ भी करने का जो हक होता है उसको खो देना। Germinated, ground, नशोनुमा पाया गया। Goblin, mischievous, ugly demon, यानी कि छलावा, बदसूरत बला जो होती है उसे कहते हैं। Illumination, mean light, रोशनी। इम्प्रोवाइज, मेकअप समथिंग क्विकली, यानी कि आप बहुत क्लेवरली, बहुत चालाकी से कोई कहानी बना लेना कि कुछ एकदम से आंसर्स बता देना, या जैसे कोई भी बातें बना लेना, मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना उसे कहते हैं। इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ डेंजरस पोजिशन, ट्रैप्ड, यानी किसी मुश्किल में होना। कीप टू हील, कीप अंडर कंट्रोल, यानी काबू में रहना। ऑब्स्टिनेसी, स्टबर्नस, यानी हठधर्मी, ज़िद्दी। ओवर इंडल्ज्ड इन, इन्जॉय टू मच, यानी किसी चीज़ को बहुत इन्जॉय करना। पार्ट टेकन, ईटन, टेकन अ शेयर इन समथिंग, यानी कुछ खाना, किसी चीज़ में हिस्सा मांगना या कुछ चीज़ मांगना किसी से। एंड प्यूनिटिव, मेन टू इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट, यानी कि सज़ा का हकदार। क्वेंट, अट्रैक्टिवली ओल्ड फैशन, पुराने ख्याल का। रिगरसली डिबर्ड, strictly not allowed to be to take part, यानी कि किसी को मना करना, किसी चीज़ में आप हिस्सा नहीं ले सकते। Centered, work in a leisurely way, यानी कि टहलना, इधर उधर घूमना फिरना अपनी मर्जी से। Seemingly frivolous, apparently silly, who ever heard a frog in one's plate, अब यहाँ पे जैसे कि इस स्टोरी में बताया गया है कि निकोलस ये कहता है कि उसकी जो एक बाउल होता है ब्रेड का और मिल्क का, उसमें कहता है कि वो एक फ्रॉग है। तो ये बात बताई गई है, मतलब अहम बातें जो होती हैं, अहम खाना बातें जो होती हैं। और टेक्टिशियन, वन हु यूज टेक्टिक्स क्लेवर मींस टू ग्रेट इफेक्ट, यानी कि हाजिर जवाब, फौरन, क्विकली किसी भी चीज़ का कोई जवाब दे देना चालाकी से। एंड वेंस फ्राम विच प्लेस, मतलब कहाँ से ये है। और यील्ड गिवन, शिकस्त देना। नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन। द चिल्ड्रन वर टू बी ड्राइवन एज अ स्पेशल ट्रीट टू द सेंट ऑफ जैगवरो। अब चिल्ड्रन को एक ट्रीट देने के लिए स्पेशल उनको ले जाया गया, कहाँ पे, सेंट पे, कहाँ, जैगवरो में। निकोलस वॉज नॉट टू बी ऑफ द पार्टी, ही वॉज इन डिस्ग्रेस। अब उसको साथ नहीं ले जाया गया, जैसे कि उसको सजा दी गई है कि उसको साथ नहीं ले जाएंगे, उसको पार्टी में शामिल नहीं किया गया। ओनली दैट मॉर्निंग ही हैड रिफ्यूज टू ईट हीज ब्रेड एंड मिल्क ऑन द सीमिंगली फ्रिवलस ग्राउंड दैट देयर वॉज अ फ्रॉग इन इट। अब उसने क्या कहा था उस मॉर्निंग में, उसने ये कहा एक दिन कि जो उसको ब्रेड और मिल्क दिया गया खाने के लिए, उसने कहा नहीं, मैं ये नहीं खाऊँगा क्योंकि उसमें क्या है, एक फ्रॉग है। Older and wiser and better people had told him that there could not possibly be a frog in his bread and milk. अब जो जो भी ओल्ड, बड़े लोग थे, पुराने लोग थे, अक्लमंद लोग थे, या जो अच्छे जानने वाले लोग थे, वो ये कह रहे थे, अक्लमंद लोगों ने ये कहा कि ये सब हो ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपके ब्रेड और मिल्क में क्या हो, फ्रॉग हो। नाउ स्टूडेंट्स टर्न द पेज, पेज नंबर 96। He was not to talk nonsense. अब उसे कहा क्या कि ऐसी nonsense या अहमखाने बातें ना करें। He continued nevertheless to talk what seemed to be nonsense and describe with much detail the color and the marking of the
लेक्ड फ्रॉग, अब उसको मना किया गया लेकिन वो फिर भी अपनी तरफ से डिटेल पेश करता गया कि फ़्रॉग के बारे में, कि उसका कलर कैसा है, उसके मार्क कैसे हैं, वो कैसी है। द ड्रामेटिक पार्ट ऑफ द इंसिडेंट वॉज दैट देयर रियली वॉज अ फ्रॉग इन निकोलस बेसन्स ऑफ ब्रेड एंड मिल्क, ही हैड पुट इट देयर हिमसेल्फ। अब क्या था ड्रामेटिक पार्ट जो उसने ड्रामा क्रिएट था इस इंसिडेंट का, ये था कि वहाँ पे जो वो ब्रेड और मिल्क जिस बाउल में पड़ी हुई थी उसके बेस में वाकई में एक फ्रॉग मौजूद थी, क्योंकि उसने वो फ्रॉग ख़ुद से उसमें डाली हुई थी। सो ही फेल्ट एंटाइटल्ड टू नो समथिंग अबाउट इट, तो ज़ाहिर बात है वो उसके बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए तो वो उसको इतना डिटेल से कह रहा था कि इसका कलर ऐसा है, ये ऐसी है। द सिन ऑफ टेकिंग फ्रॉग फ्रॉम द गार्डन एंड पुटिंग इट इन टू द बाउल ऑफ ब्रेड एंड मिल्क वॉज डिस्कस्ड एट ग्रेट लेंथ। अब ये जो उसने जो गुनाह किया था, सिन मीन गुनाह, जो उसने किया था एक फ्रॉग को गार्डन से लिया और उसको अपने बाउल में डाला जो मिल्क और ब्रेड का जो जिसमें पड़े हुए थे उसमें, आप कहते हैं कि इसकी तो बहुत लंबी कहानी है, बट द फैक्ट दैट स्टूड आउट क्लियरेस्ट इन द होल अफेयर एज इट प्रजेंटेड इट सेल्फ टू बी टू द माइंड ऑफ निकोलस वॉज दैट द ओल्डर वाइजर एंड बेटर पीपल हैड बीन प्रूव टू बी प्रोफाउंडली रॉन्ग। अब ये है कि वो ये साबित करना चाहता था, ये जो बहुत अक्लमंद और जो लोग हैं, जो अच्छा मतलब पुराने लोग हैं, ये जो कह रहे हैं कि ये मैं गलत कह रहा हूँ, ये उनको उसने क्या कर दिया था, रॉन्ग साबित कर लिया था। ज़ाहिर बात है उसने क्या किया था, ख़ुद से वो फ्रॉग लेके उसमें डाल दी थी। अब उन लोगों का कहना था कि फ़्रॉग उसमें तो नहीं हो सकती, लेकिन उसने ये बात ये काम ख़ुद से किया हुआ था, वो फ़्रॉग उसने खुद डाली हुई थी और उसने उन लोगों को क्या साबित किया कि ये रॉन्ग है। हो सकता है कि मेरी ब्रेड और मिल्क में या कोई मेंढक मौजूद हो, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे एक ब्रेड और मेरे ब्रेड और मिल्क में एक फ्रॉग मौजूद है। ही रिपीटेड विद द इंसिस्टेंस ऑफ अ स्किल्ड टेक्टिशियन हु डज नॉट इंटेंड टू शिफ्ट फ्रॉम फेवरेबल ग्राउंड। वो बार बार ये बात दोहराता गया और बड़ी चालाकी से ये बात कहता गया और अपनी बात से नहीं फिरा, क्योंकि उसने फ्रॉग खुद ही डाली हुई थी, तो इसलिए उसको पता था कि हाँ मेरे ब्रेड और मिल्क में एक फ्रॉग मौजूद है। सो हिज बॉय कज़न एंड गर्ल कज़न एंड हिज क्वाइट अन इंटरेस्टिंग यंगर ब्रदर वर टू बी टेकन टू जैक ब्रोसेन दैट आफ्टरनून एंड ही वॉज टू स्टे एट होम। अब उसका एक जो बॉय कज़न था और एक गर्ल कज़न और एक उसका जो गैर दिलचस्प सब भाई था, छोटा भाई था, उसको क्या जैक ब्रोसेन में ले जाया जा रहा था उस दोपहर को, और उसे घर पे रहने को कहा गया था। His cousin aunt and who insisted in styling herself his aunt also has hastily invented the Jagborough expedition in order to impress on Nicholas the delight that he had justly forfeited by his disgraceful conduct at the breakfast. अब उसका जो उसकी जो cousin aunt थी, जो अपने आप को मतलब aunt कहलाने वाली जो थी, उस जल्दी जल्दी वो क्या कर रही थी कि वो जो चीज़ें सामान पैक कर रही थी ले जा रही, और Nicholas पर ये इंप्रेशन डाल रही कि वो बहुत खुश है, और उसको इस ऐसा करने से ले जाने से इसलिए मना किया गया क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट पे या सुबह के नाश्ते पे अपना एक ये जो रवैया जो उसने पेश किया था, या उसने जो उसको जो उसके सज़ा के तौर पर उसको जैसे उस सज़ा दी जा रही है, तो वो उसको ये शो करना चाह रही थी कि तुम्हें सज़ा के तौर पर घर पर रखा जा रहा है और बाकी बच्चे वहाँ पर जाके इंजॉय करेंगे। Now student, locate the question number one. With in this paragraph, we will mold the question like this. Firstly, read the question. Now come at page number 100 in comprehension portion. Answer the following question. Why did the aunt decide to send the children to Jagborough? Why was the Nicholas not included in the party? अब ये है कि क्यों आंटी ने ये डिसाइड किया था कि बच्चों को जैगब्रो ले जाया जाए और क्यों ये जैकब्रो को उस पार्टी में इंक्लूड नहीं किया गया था। अब हम इसका आंसर मोल्ड करके यूँ लिखेंगे, जैसे कि हमने देखा कि आंटी उसको पनिश करने के लिए उनने कहा, क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट में एक ऐसी बात की थी या उसने आगे से उनकी बात नहीं सुनी थी और कहा था मैं नाश्ता नहीं करता, उसमें ये मेंढक मौजूद है, उसने ऐसा डिस्ग्रेसफुल बिहेवियर उसने शो किया था, सो उसको पनिशमेंट के तौर पर बाकी बच्चों को ले जाया गया कि आपको इंजॉय करवाएंगे, और उसको ये पनिशमेंट उसकी थी कि उसको पूरा दिन घर में रखा जाएगा। तो हम इसके आंसर को यूं मोल करके लिखेंगे, द आंट डिसाइडेड टू सेंड द चिल्ड्रन, बाकी बच्चों को ले जाया गया कि आपको एंजॉय करवाएंगे, और उसको ये पनिशमेंट उसकी थी कि उसको पूरा दिन घर में रखा जाएगा। तो हम इसके आंसर को यूं मोल करके लिखेंगे, द आंट डिसाइडेड टू सेंड द चिल्ड्रन टू जैकब्रो टू पनिश निकोलस हु वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द पार्टी। ये इसका आंसर होगा। नाउ कम बैक टू द रीडिंग।
It was her habit whenever one of the children fell from grace to improvise something off the table, sorry, off a festival nature from which the offender would be rigorously debarred. If all the children sinned collectively, they were suddenly informed of a circus in a neighboring town. The circus unrivaled merit, to which but for their depravity they would have been taken the debt every day. अब ऐसा क्या होता था? ऐसा वो अभी तो निकोलस ने ये मिस्टेक की थी या डिसग्रेसफुल बिहेवियर शो किया था, लेकिन जब कभी अगर कोई भी एक बच्चा ऐसा करता, ऑफेंडर मतलब मुजरिम, ये जुर्म करने वाला या ऐसी कोई हरकतें करने वाला, एक बच्चा होता या ज़्यादा होते, अगर ऐसा होता कि ज़्यादा बच्चे ऐसे कोई बिहेवियर शो करते तो वो फिर क्या करते? उसके साथ में ही एक बहुत अच्छा सा एक सर्कस था, तो वहाँ पे बाकी एकदम से वो प्लान करते थे कि बाकी बच्चों को वहाँ पे इंजॉय करने के लिए ले जाएंगे, और फिर दूसरे बच्चों को जो ऐसी हरकत करते थे या ऐसे बिहेवियर शो करते थे तो उनको घर में रखा जाता था या वहीं पे रखा जाता था एज अ पनिशमेंट के तौर पर. तो ऐसा वो हर वक्त, वो मतलब हर बार अगर ऐसा कोई बिहेवियर शो करता तो ऐसे ही किया जाता था. अ फ्यू डिसेंटियर्स वर लुक्ड फॉर ऑन द पार्ट ऑफ निकोलस व्हेन द मोमेंट ऑफ द डिपार्चर ऑफ द एक्सपीडिशन अराइव्ड. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हाउएवर, ऑल द क्राइंग वर डन बाय हिज गर्ल कजन हु स्क्रैप्ड. Scrapman crushed her knee rather painfully against the step of the carriage as she was scrambling in. अब क्या हुआ कि कुछ जो टीयर थे वो उसके चेहरे पे अपेयर होने लगे थे निकोलस में जब वो लोग रवाना हो रहे थे. उसको जाहिर पता थोड़ा बहुत दुख तो हो रहा था, लेकिन क्या हुआ उसी वक्त, क्या हुआ कि उसकी जो सारी मतलब एक वो जो खुद रोने वाला था, रोने वाले से शक्ल उसने बनाई हुई थी कि रोने लग गया. फिर एक फ़ौरन क्या हुआ कि उसकी जो कज़न थी वो क्या हुआ, जब वो इस कैरेज में बैठ रही थी तो उसको क्या हुआ, उसकी जो नी था वो रगड़ खा गया या खुरचा गया और पेनफुली से फिर वो क्या करने लगी, फिर वो रोने लगी या बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी. शी वा हाउ शी डिड हॉल, सेड निकोलस चेयरफुली. फिर निकोलस को मतलब जैसे थोड़ा सा खुशी सी हुई. एज द पार्टी ड्रॉप ऑफ विदाउट एनी ऑफ हाई स्पिरिट दैट शुड हैव करेक्टराइज इट. अब क्या हुआ कि उसने कहा, उसने चेयरफुली से कहा, उसने कहा ओहो आपकी तो पार्टी वैसे फीकी पड़ गई, जैसे आप इतने शौक से आप लोग जा रहे थे, ठीक है. फिर शील सून गेट ओवर दैट, सेड द सेल्फ स्टाइल ऑन. इट विल बी अ ग्लोरियस आफ्टरनून फॉर रेसिंग अबाउट ओवर दोज ब्यूटिफुल सैंड, हाउ दे विल इन्जॉय themselves. अब उसने कहा कि ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, ठीक है. खुद को आंटी कहलाने वाली जो औरत थी उसने कहा कि ये तो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, अब देखना कितनी शानदार ये इनकी आफ्टरनून या दोपहर होगा जब ये रेस लगाएंगे उतने खूबसूरत रेत के ऊपर, ये इन्जॉय करेंगे और कितना अच्छी तरह से ये लोग इन्जॉय करेंगे. Bobby won't enjoy himself much and he won't race much either, said Nicholas with a grim chuckle. His boot are hunting him there too tight. अब क्या हुआ, उसने कहा Bobby तो नहीं enjoy कर सकेगा क्योंकि जो he won't race much either और ना ही वो बहुत अच्छी तरह से दौड़ सकेगा. क्यों, ये बात किसने की थी? निकोलस ने की थी. अब उसने एक नागवार सी हंसी अपने मुंह पे लाते हुए, क्योंकि उसके बूट तो मतलब उसको लग रहा था कि ये बहुत टाइट उसके शूज़ है और वो उसको तकलीफ देंगे और वो ना अच्छी तरह से इंजॉय कर सकेगा ना ही दौड़ सकेगा. वाई डिडेंट ही टेल मी दे वर हर्टिंग, आस्ट आंट. आस्ट आंट ने कहा कि इसने मुझे क्यों नहीं बताया अगर इसके साथ ऐसा कुछ है. ही टोल्ड यू ट्वाइस बट यू वरंट लिसनिंग. यू ऑफन डोंट लिसन व्हेन वी टेल यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स. उसने कहा इसने आपको तकरीबन दो दफ़ा बताया लेकिन आप कहाँ सुनती हैं, हम आपसे आपको हमेशा जब बात को बताई जाती है जो कोई इंपॉर्टेंट बात बताई जाती है और वो आप अक्सर वो आप बात नहीं सुनती. यू आर नॉट टू गो इन टू द गूसबेरी गार्डन, सेड द आंट चेंजिंग द सब्जेक्ट. वाई, अब उसने क्या कह दिया, फ़ौरन आंटी ने कहा मतलब अपना मौजू चेंज करते हुए उसने कहा कि आप गूसबेरी के गार्डन में आप नहीं जा सकते, वहाँ पे गार्डन भी था ना उसके पास. Because you are in disgrace, said the aunt loftily. अब aunt जैसे उसको एक सज़ा देना चाह रही थी, उसने उसको ये भी रोका कि आपके इस बिहेवियर की वजह से अब आप कहाँ नहीं जा सकते, बाग में भी नहीं जा सकते. Nicholas felt perfectly capable of being a disgrace and in a gooseberry garden at the same moment. His face took on an expression of concern. लग रहा था लेकिन आंटी ने कहा कि मैंने मना कर दिया तो शायद वो ना ही जाए. Now come to page number 97.
नाउ द गूसबेरी गार्डन हैड टू डोर्स. अब रस भरा जो फलों का जो बाग था उसके दो दरवाजे थे बाय विच इट माइट बी एंटर्ड, जहाँ से अंदर दाखिल हुआ जा सकता था. एंड वंस अ स्मॉल पर्सन लाइक निकोलस कुड स्लिप इन देयर, और अगर कोई छोटा शख्स जैसे कि निकोलस अभी छोटा था, अगर वो वहाँ से फिसल गया या अंदर उस उन दरवाज़ों में से गुजर गया, देयर ही कुड डिसअपियर फ्रॉम व्यू एमिड, तो वो वहाँ के मंजर से बिल्कुल गायब हो सकता था. यानी वो छोटा था ना. द मास्किंग ग्रोथ ऑफ आर्टिचॉक्स रेस्टबेरी केन्स एंड फ्रूट बुशेस. निकोलस कहाँ पर गायब हो सकता था, क्योंकि वो जो बाग था वहाँ पर रस भरी फलों की बेलें थी, ठीक है, और पौधे थे, झाड़ियाँ थी, उनके दरमियान उसके गुम हो जाने का डर था. द आंट हैड मैनी अदर थिंग्स टू डू, अल्लाह जान को और भी बहुत से काम करने थे उस दिन, दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को. बट शी स्पेंट एन आवर और टू इन ट्राइवियल गार्डनिंग, लेकिन उन्होंने आधा घंटा या इससे ज़्यादा, दो घंटे जो हैं, एक या दो घंटे उन्होंने बेवकत यानी ज़ाया कर दिए गार्डनिंग यानी बाग में इधर उधर घूमते हुए. गार्डनिंग ऑपरेशंस, बाग के कामों में कभी कोई झाड़ी काट ली, कभी कोई पौधा देख लिया. अमंग फ्लावर्स बेड्स एंड श्रबरीज, आंटी को वैसे बहुत सारे काम थे उस दिन करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने घंटा दो घंटे जो है ना वो फालतू में ज़ाया कर दिए बाग की झाड़ियों में घूमते वहाँ के काम करते करते. वेंस शी कुड कीप अ वॉचफुल आई ऑन द टू डोर्स, क्योंकि जहाँ से उनकी नज़र जो है वो कहाँ पर पड़ रही थी, दाखिली दरवाज़ों के ऊपर बाग के, कहीं वहाँ से जो है वो निकोलस दाखिल ना हो जाए. दैट लेड टू द फॉरबिडन पैराडाइज, जो कि एक छुपी हुई जन्नत यानी बाग की तरफ ही लेकर जाते थे. शी वॉज़ अ वुमेन ऑफ फ्यू आइडियाज़ विद इमेंस पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, उनके पास सोचने की ताकत बेशक कम थी, लेकिन वो तवज्जो यानी किसी चीज़ की तरफ अगर वो देखती थी, तवज्जो करती थी, तो वो बेहद उसमें जो है वो पूरा उतरती थी, बड़ी उनकी तेज़ नज़र थी. निकोलस मेड वन और टू ट्रिप्स इनटू द फ्रंट गार्डन, निकोलस ने फिर भी जो पहला जो बाग के सामने से निकोलस ने फिर भी एक या दो चक्कर काट लिए. रिंगलिंग हिज वे टूवर्ड्स वन और अदर ऑफ द डोर्स, और निकोलस जो था वो मचलते हुए यानी बाग के एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की तरफ भागता जा रहा था, इन्जॉय कर रहा था. वो यही चाह रहा था कि खाला जान की आँख इधर उधर हो और वो इस बाग में घुस जाए. बट नेवर एबल फॉर अ मोमेंट टू इवेट द आंट्स वॉचफुल आए, लेकिन उसको एक लम्हा भी ऐसा ना मिला कि वो अपनी खाला जान की आँख से जो है वो छुप कर या ओझल होकर बच, या अपनी खाला जान की आँख से बच कर जो है वो बाग में दाखिल हो पाता. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हकीकत के तौर पर, ही हैड नो इंटेंशन ऑफ ट्राइंग टू गेट इन टू द गूसबेरी गार्डन. निकोलस की ज़रा भी ऐसी नीयत नहीं थी कि वो रस भरे बाग में जाना चाहता था, अंगूरों के बाग में जाना चाह रहा था. वो सिर्फ खाला जान को तंग कर रहा था. बट इट वॉज़ एक्सट्रीमली कन्वीनियंट फॉर हिम दैट हिज आंट शुड बिलीव दैट ही हैड, लेकिन वो सिर्फ खाला जान को ये यानी कि तंग करने के लिए वो यही मुनासिब समझ रहा था कि उनको ये लगे कि ये मैं वाकई बाग में जाना चाहता हूँ. इट वॉज़ अ बिलीफ दैट वुड कीप हर ऑन सेल्फ इम्पोज्ड सेंट्री ड्यूटी फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ द आफ्टरनून. यही जो खौफ था यानी कि कहीं निकोलस जो है वो बाग में घुस ना जाए उस दोपहर को, खाला जान को इसी कामों में इस खौफ ने जो है मसरूफ़ रखा. हैविंग थॉरली कन्फर्म्ड एंड फोर्टिफाइड हर सस्पिशंस, यानी कि खाला जान को शको शुबात में डालने के बाद, जब खाला जान को कन्फर्म हो गया कि वाकई जो है इसकी नीयत है बाग में घुसने की, निकोलस स्लिप्ड बैक इनटू द हाउस. निकोलस वापस घर की तरफ को फिसल गया या चला गया. एंड रैपिडली और जल्दी से पुट इनटू एग्जीक्यूशन अ प्लान ऑफ एक्शन, और फौरन से वो अमल यानी कि ले आया, वो उसने काम कर डाला जिसका वो अभी मंसूबा बना रहा था. दैट हैड लॉन्ग जर्मिनेटेड इन हिज ब्रेन, जो कब से उसके दिमाग में चल रहा था. बाय स्टैंडिंग ऑन अ चेयर, कुर्सी के ऊपर खड़े होते हुए इन द लाइब्रेरी में, वन कुड रीच अ शेल्फ, एक वो अलमारी के ऊपर कोई भी पहुंच सकता था, ऑन विच ले अ फैट इम्पॉर्टेंट लुकिंग
की जिसके ऊपर एक भारी सी बड़ी ज़रूरी और यानी शक्लो शुबात की ऐसी कि बड़ी कोई ख़ास एक चाबी पे उसकी नज़र पड़ी। द की वॉज एन इम्पॉर्टेंट एज इट लुक, ये जो चाबी थी इतनी ही ख़ास थी जैसे कि वो शक्ल से नज़र आ रही थी। इट वॉज़ द इंस्ट्रूमेंट विच केप्ट द मिस्ट्रीज ऑफ द लंबर रूम सिक्योर, यानी कि यही वो चाबी थी, यही वो चीज़ थी जिसने फालतू यानी चीज़ों का कमरा या कबाड़ खाना ऐसे कमरे को जो है महफूज रखा हुआ था, बंद रखा हुआ था। विच ओपन द वे ओनली फॉर आंट्स एंड सच लाइक प्रिविलेज्ड पर्संस, और इस कमरे में वही लोग जा सकते थे जैसे कि हमारी खाला या फिर मुस्तहिक लोग, यानी वो लोग जिनको उस कमरे में जाने की इजाज़त थी। द की टर्नड स्टिफली इन द लॉक, उसने जो है बड़ी सख्ती से ज़ोर से जो है चाबी ताले के अंदर घुसाई, बट इट टर्नड, आखिरकार वो घूम गई, पहले वो फंस गई थी, सख्त था ताला, फिर वो यानी खुल गया ताला। द डोर ओपन, दरवाज़ा खुल गया, एंड निकोलस वॉज इन एन अननोन लैंड, और निकोलस जो था वो एक अनजान सी जगह पर दाखिल हो गया। कंपेयर्ड विद विच द गूसबेरी गार्डन वॉज अ स्टेल डिलाइट, जिसके पीछे अब बाग में घुस जाने की खुशी भी पीछे रह गई, उसको यहाँ पर आकर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऑफन एंड ऑफन निकोलस हैड पिक्चर टू हिमसेल्फ, कभी कभार निकोलस अपने जहन में ये अक्स लेकर आया करता था, व्हाट द लंबर रूम माइट बी लाइक, के फालतू चीज़ों का कमरा कैसा होगा। दैट रीजन दैट वॉज सो केयरफुली सील्ड फ्राम यूथफुल आइज, जिसको इतने एहतियात के साथ जो है वो बंद रखा गया था इन बच्चों की नज़रों से, एंड कंसर्निंग विच नो क्वेश्चंस वर एवर आंसर्ड, और इसके मुतल्लिक, इस कमरे के मुतल्लिक अगर बच्चे सवाल भी करते थे तो आंटियां जो थीं, वो खाला जो थीं, वो जवाब नहीं देती थी। इट केम अप टू हिज एक्सपेक्टेशंस, ये बिल्कुल उसकी उम्मीदों पर पूरा उतरा था। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली ही जगह पे, इट वॉज लार्ज एंड डिमली लिट, यहाँ पे बहुत बड़ी सी और हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी, रोशनी की किरण आ रही थी। वन हाई विंडो ओपनिंग ऑन टू द फॉरबिडन गार्डन, एक बहुत ऊंची सी बड़ी सी खिड़की जो थी वो खुल रही थी कहाँ पर, उसी बाग में जहाँ से वो रोशनी एंटर हो रही थी। बींग इट्स ओनली सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, एक यही ज़रिया था जहाँ से रोशनी जो है वो कमरे में दाखिल हो रही थी। इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरी जगह पर, इट वॉज़ अ स्टोर हाउस ऑफ अनइमेजिन्ड ट्रेयर्स, ये एक ज़खीरा था जो कि गैर तसव्वुराती ख़जानों से भरा हुआ था। द आंच बाई एसर्शन, ख़ुद को कहलाने वाली खाला जो औरत खातून थी, वॉज वन ऑफ दोज पीपल, वो उन लोगों में से थी हु थिंक, जिनका ख्याल था दैट थिंग्स स्पॉइल बाई यूज़, के चीज़ें इस्तेमाल करने से ख़राब हो जाती हैं, एंड कंसाइन देम टू डस्ट एंड डैम, और उनको पड़े रहने देना चाहिए कहाँ पर, मिट्टी पे पड़े यानी गंदगी में और ख़राब होने के लिए चीज़ों को छोड़ दो, लेकिन इस्तेमाल मत करो, इस्तेमाल करने से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। बाई वे ऑफ प्रिजर्विंग दैम, उनको महफूज जगह पर रख दो। द हाउस वॉज रादर बेयर एंड चेयरलेस, यानी कि जो लंबर रूम था इसके मुकाबले में जो उनका घर था वो काफ़ी बेरौनक था। बेरौनक मतलब चीज़ों से खाली था, चीज़ें तो सारी यहाँ पे छुपाई हुई थी लंबर रूम में, और चेयरलेस खुशी से भी खाली था, कोई ऐसे बेरौनक सा घर लगता था। बट हेयर देयर वर वंडरफुल थिंग्स फॉर द आई टू फीस्ट ऑन, लेकिन इस कमरे में दाखिल होने के बाद आँखों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली देखने के लिए, आँखों को ठंड पड़ गई। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर वॉज अ पीस ऑफ फ्रेम टेपिस्ट्री, सबसे पहली जो चीज़ जिस पे नज़र पड़ी उसकी वो थे कढ़ाई वाले पर्दों का टुकड़ा था। दैट वॉज एविडेंटली मैंट टू बी अ फायर स्क्रीन, इस पर्दे का काम ये लग रहा था, ये पर्दे इतने अच्छे और मज़बूत थे कि इस पर्दे का ये काम लग रहा है कि ये यकीनन जो है गर्मी से, आग से, तपिश से बचाता है। टू निकोलस इट वॉज अ लिविंग ब्रीथिंग स्टोरी, निकोलस के लिए ये एक ज़िंदा और सांस लेती कहानी थी। ही सैट डाउन ऑन अ रोल ऑफ इंडियन हैंगिंग्स, वो बैठ गया, पर्दों का एक ढेर लगा हुआ था उनके ऊपर, ग्लोइंग इन वंडरफुल कलर्स यानी कि चमक रहे थे उनके रंग उन पर्दों के, बीनीथ नीचे अ लेयर ऑफ डस्ट यानी कि मिट्टी
की तय के नीचे, लेकिन फिर भी उसके रंग इतने अच्छे थे कि वो चमक रहे थे। एंड टुक इन ऑल द डिटेल्स ऑफ द टेपेस्ट्री पिक्चर। फिर उसने वहाँ उन पर्दों के ऊपर बैठ के आराम से जो है रिलैक्स होके उसने कढ़ाई वाले पर्दों का नज़ारा किया। इतने अच्छे वो पर्दे थे। अ मैन ड्रेस्ड इन हंटिंग कॉस्ट्यूम ऑफ सम रिमोट पीरियड। फिर उसकी एक नज़र एक सीनरी पर पड़ जाती है। एक आदमी उसको उसमें नज़र आता है तस्वीर में, जिसने क्या शिकारियों का लिबास पहन रखा है। ठीक है, रिमोट पीरियड यानी कोई पुराने ज़माने से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स है। हैड जस्ट शॉट अ स्टैग, जिसने अभी अभी जो है एक हिरन का जो है वो शिकार किया है विद एन एरो तीर के साथ। इट कुड नॉट हैव बीन अ डिफ़िकल्ट शॉट, ये उसके लिए कोई मुश्किल निशाना नहीं हो सकता था। बिकॉज द स्टैग वॉज ओनली वन और टू पेसेस, क्योंकि जो हिरन था वो एक या दो कदम ही दूर खड़ा था फ्रॉम हिम उससे। इन द थिकली ग्रोइंग वेजिटेशन, बहुत ही घनी उगती हुई सब्जियों के बाग में, दैट द पिक्चर सजेस्टेड इट वुड नॉट हैव बीन डिफ़िकल्ट टू क्रीप अप टू फीडिंग स्टैग। जैसा कि तस्वीर से वाजह उसको दिखाई दे रहा था कि ये कोई मुश्किल बात नहीं थी शिकारी के लिए, ऐसे हिरन का शिकार करना मुश्किल ना था जो कि घनी हरियाली में से चढ़ते हुए जो है वो यहाँ पर आ निकला था। सिर्फ उससे दो या एक दो कदम के फासले पर खड़ा था। एंड द टू स्पॉटेड डॉग्स दैट वर स्प्रिंगिंग फॉरवर्ड, और दो धब्बेदार स्किन वाले यानी जिस्म वाले कुत्ते जो थे वो उसकी तरफ को बढ़ रहे थे टू जॉइन इन द चेस, ताकि वो भी पीछा करते करते उसके पीछे चले जाएं। हैड एविडेंटली बीन ट्रेंड टू कीप टू हील टिल द एरो वॉज डिस्चार्ज्ड। लेकिन पीछे आने वाले कुत्तों को ये ट्रेनिंग दी गई थी कि जब तक तीर डिस्चार्ज ना हो, तीर जो है वो ना निकले, तब तक जो है वो उनके उनसे पीछे रहे, अपने आप को काबू में रखें। दैट पार्ट ऑफ द पिक्चर वॉज सिंपल, तस्वीर का ये हिस्सा तो बहुत ही सादा था। इफ़ इंटरेस्टिंग, अगर दिलचस्पी थी। बट डिड द हंट्समैन सी, अगर तो दिलचस्पी की बात उसको लग रही थी वो ये थी कि क्या शिकारियों ने देखा था। वट निकलस सॉ, जो निकलस देख पा रहा था। दैट फोर गैलपिंग वॉल्व्स वर कमिंग इन हिज डायरेक्शन थ्रू द वुड, जंगलों में से गुजर कर चार भेड़िए भी जंगल में से निकल कर उसी की तरफ भागते हुए, तेज़ भागते हुए आ रहे थे। देयर माइट बी मोर देन फोर ऑफ देम हिडन, और हो सकता है कि चार से भी ज़्यादा छुपे हों भेड़िए बिहाइंड द ट्रीज, दरख्तों के पीछे। एंड इन एनी केस, और दूसरी सूरत में, वुड द मैन एंड हिज डॉग्स, के क्या आदमी और उसके जो कुत्ते थे बी एबल टू कोप विद द फोर वॉल्व्स, क्या वो इन चार भेड़ियों से निमट सकेंगे, इनका मुकाबला कर सकेंगे। इफ़ दे मेड एन अटैक, अगर उन्होंने इसके ऊपर हमला कर दिया। द मैन हैड ओनली टू एरोज लेफ्ट इन हिज, आदमी के पास सिर्फ दो तीर बचे थे। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर इज 98। स्टूडेंट्स लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आप सीन इमेजिन करो अपने माइंड में कि ये निकलस है और ये कैसे आराम से बैठकर इस सीनरी की तरफ देख रहा है। इस सीनरी के मुताबिक जो है ना, इसने अपने माइंड में खुद ही से एक जो है वो इमेजिनरी स्टोरी क्रिएट कर ली है। तो शिकारी के पास दो ही जो है वो तीर बचे थे इन हिज क्विवर, अपने कमान में। एंड ही माइट मिस विद वन और बोथ ऑफ देम, और अगर वो तीर चलाता तो हो सकता था कि उसका निशाना ख़त्म हो जाता, उसका एक या दो तीर ज़ाया हो जाता। ऑल वन न्यू अबाउट हिज स्किल इन शूटिंग वॉज दैट ही कुड हिट अ लार्ज टैग एट अ रिडिकुलसली शॉर्ट रेंज। आपको शिकारी की शिकार करने वाली जो सलाहियत थी उसका यहीं से अंदाज़ा हो गया होगा कि वो सिर्फ़ एक दो कदम पे खड़े शिकार यानी कि हिरन का ही शिकार कर पाया था। तो वो दूर से भागते हुए आते भेड़ियों का कैसे शिकार करेगा, वो भी एक दो तीरों के साथ। निकोलस सैट फॉर मैनी गोल्डन मिनट्स रिवॉल्विंग द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सीन। निकोलस अपना वक़्त जो है वो इतना कीमती सुनहरी वक़्त ज़ाया करता रहा यही सोचने में इस मंज़र को देख कर कि अब क्या होगा। ही वॉज इंक्लाइंड टू थिंक दैट द मैन एंड हिज डॉग्स वर इन अ टाइट कॉर्नर, वो ये सोचने पर ही मजबूर हो गया था कि आदमी और उसके जो डॉग्स हैं, जो कुत्ते हैं, वो इस वक्त ख़तरे में हैं,
मुश्किल में है. बट देर वर अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिलाइट एंड इंटरेस्ट क्लेमिंग हिज इंस्टेंट अटेंशन. लेकिन वहाँ पर मौजूद और भी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने उसकी तवज्जो हासिल की फौरी तौर पे. कैसे? क्योंकि वो काफ़ी दिलचस्प दिखाई दे रही थी. देर वर क्वेंट ट्विस्टेड कैंडल स्टिक्स इन द शेप ऑफ स्नेक्स. वहाँ पर हल्की हल्की अनोखे स्टाइल में मुड़ी हुई, अजीबो गरीब स्टाइल में मुड़ी हुई मोमबत्ती के स्टिक्स पड़ी थी, मोमबत्तियाँ पड़ी थी जिनकी शक्लें सांपों जैसी लग रही थी. एंड अ टी पॉट और एक ऐसी चाय की केतली फैशन्ड लाइक अ चाइना डक, जिसकी शक्ल बिल्कुल एक चाइना बत्तख की नुमा बनी हुई थी, बत्तख की शक्ल बनी हुई थी. हाउ डल एंड शेपलेस द नर्सरी टी पॉट सीम्ड इन कंपैरिजन. इसके मुकाबले में जो हमारे घर के किचन में जो केतलियाँ लगाई गई हैं चाय की, वो कितनी बदसूरत और यानी कि उनकी तो कोई इतनी अच्छी शेप नहीं है, इतनी अच्छी शक्ल नहीं है. एंड देयर वॉज अ कार्व्ड सैंडल वुड बॉक्स पैक टाइट विद एरोमेटिक कॉटन वूल. और एक संदल की लकड़ी का बना एक डिब्बा था जो कि जिसके अंदर क्या खुशबूदार रुइयां या कपड़ा भरा गया था. एंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ कॉटन, और इन खुशबूदार रुई या कपड़े की जो तहें थी इनके दरमियान में वूल वर लिटिल ब्रास फिगर्स. ब्रास यानी पीतल के बनी बनी छोटी छोटी सी चीज़ें थी. फिगर्स यानी मुजस्मे, खिलौने, चीज़ें थी. वो क्या थी? हम्प नेक बुल्स. हम्प नेक यानी कोहान जैसी गर्दन रखने वाली बैल, या फिर ऊंची गर्दन रखने वाली बैल थी. एंड पीकॉक्स, मोर थे, एंड गॉबलिंग्स. और छलावा यानी कि आप लोग कह लो अजीबो गरीब या बदसूरत शक्ल वाली दो तीन चीज़ें निकली. डिलाइटफुल टू सी एंड टू हैंडल, जिनको पकड़कर, जिनको हाथ लगाकर वो बहुत खुशी महसूस कर रहा था. लेस प्रॉमिसिंग इन अपीयरेंस वॉज अ लार्ज स्क्वायर बुक विद प्लेन ब्लैक कवर्स. एक उसको चकोर किताब नज़र आई. वो शक्लो सूरत में यानी कि इतनी ख़ास नहीं थी, कम उम्दा थी. उसके ऊपर काले रंग का कवर या गलाफ चढ़ा हुआ था. निकोलस पीप्ड का मतलब झांका. निकोलस ने पीप्ड इनटू इट, उसके अंदर झांका. एंड बिहोल्ड, और उसको पकड़ा. इट वाज फुल ऑफ कलर्ड पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स. इसके अंदर रंग बिरंगी परिंदों की तस्वीर थी. एंड सच बर्ड्स, और ऐसे परिंदे इन द गार्डन, बाग में. एंड इन द लेन्स व्हेन ही वेंट फॉर अ वॉक, उसको तब नज़र आते हैं जब वो बाग में सैर करने के लिए जाता है सुबह के वक्त. निकोलस केम अक्रॉस अ फ्यू बर्ड्स. निकोलस ने उन चंद परिंदों के ऊपर नज़र दौड़ाई, और विच द लार्जेस्ट वर एंड ओकेजनल मैगपी और वुड पिजन, जिसमें से सबसे बड़ा परिंदा उसको जंगली कबूतर लगा. हेयर वर हिरन्स एंड बस्टर्ड्स. हिरन्स एंड बस्टर्ड मतलब बगले और शुतुरमुर्ग भी थे. काइट्स चीलें थीं. टोकेन्स, आइबिसिस, गोल्डन फिसेंट्स यानी कि लंबी चोंच वाले, लंबी टांगों वाले परिंदे. उसके अलावा सुनहरी मुर्गाबियाँ. अ होल पोर्ट्रेट गैलरी ऑफ अनड्रीम्ड ऑफ क्रिएचर्स. उसने ऐसे नाकाबिले तसव्वुर परिंदों की तस्वीरें कभी ख्वाब में भी ना देखी थी. एज ही वॉज एडमायरिंग द कलरिंग ऑफ द मैंडरिंग डक एंड असाइनिंग अ लाइफ हिस्ट्री टू इट, जैसे ही वो तारीफ कर रहा था, सराह रहा था चीनी बत्तख और इससे जुड़ी जो है उसकी ज़िंदगी की तारीख की. द वॉइस ऑफ हिज आंट, यानी कि वो कुछ तसव्वुर ज़हन में ला ही रहा था कि उसकी खाला की आवाज़ आ गई शाउटिंग हिज नेम, जो कि उसके नाम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी. केम फ्रॉम द गूसबेरी गार्डन आउटसाइड, जो कि फलों के बाग के बाहर से आवाज़ आ रही थी. शी हैड ग्रोन सस्पिशियस एट इज लॉन्ग डिसअपीयरेंस. वो उनको शक पड़ गया था कि इतनी देर से निकोलस कहाँ पर गायब था. एंड हैड ग्रोन एंड हैड लेप्ट टू द कंक्लूजन दैट ही हैड क्लाइम्ब ओवर द वॉल. और आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुँची कि वो यकीनन दरवाज़ों से तो उनके सामने नहीं गुजरा, तो वो दीवार फैलांग कर बाग में चला गया होगा. शी वॉज नाउ इंगेज इन एनर्जेटिक एंड रादर होपलेस सर्च फॉर हिम अमंग द आर्टिचॉक्स एंड रास्पबेरी क्रेन्स. अब वो पौधों और रस भरी झाड़ियों में से, फलों की झाड़ियों में से निकोलस को इधर उधर ढूंढती फिर रही थी. निकोलस, निकोलस, शी स्क्रीम्ड. वो चिल्लाई, निकोलस, निकोलस, यू आर टू कम आउट ऑफ
दिस एट वंस, तुम फौरन यहाँ से बाहर निकल आओ। इट्स नो यूज ट्राइंग टू हाइड देयर, यहाँ पर छुपने अपने आप को छुपाने का तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है। आई कैन सी यू ऑल द टाइम, मैं तुम्हें हर तरफ से देख रही हूँ, देख सकती हूँ। इट वॉज प्रॉबेबली द फर्स्ट टाइम फॉर 20 years दैट एनी वन हैड स्माइल्ड इन दैट लंबर रूम, ऐसा शायद 20 सालों में पहली दफ़ा हुआ था कि फालतू कमरे की फालतू चीज़ों के कमरे में भी कोई मुस्कुराया था। प्रेजेंटली द एंग्री रेपिटेशंस ऑफ निकोलस नेम, फिलहाल तो बार बार जो आवाज़ें आ रही थी निकोलस के नाम की, गेव अवे टू अ श्रीक, वो उसको परेशान करने लगी, वो चीखों में बदल गई, ऊंची हो गई, एंड अ क्राई फॉर समबडी टू कम क्विकली, और फिर ये चीखें दरख्वास्त में बदल गईं, किसी रोने की आवाज़ में बदल गई, कि जैसे कोई किसी को बुला रहा हो कि जल्दी आओ। निकोलस शट द बुक, निकोलस ने किताब बंद की, रिस्टोर्ड इट, वहीं पर उसको महफूज करके रख दिया, इट केयरफुली एहतियात के साथ, टू इट्स प्लेस इन अ कॉर्नर, एक कोने में उसकी जगह पर, एंड शुक सम डस्ट फ्रॉम अ नेबरिंग पाइल ऑफ न्यूज़पेपर ओवर इट, और उसके ऊपर पड़ी अखबारें जो थी उसके ऊपर से मिट्टी जो गर्द थी उसको हटा दिया, साफ़ कर दिया। देन ही क्रैप्ट फ्रॉम द रूम, फिर वो रिंगता हुआ चुपके से आराम से कमरे से बाहर निकला, लॉक द डोर, दरवाजे को दोबारा ताला लगाया, एंड रिप्लेस्ड द की एग्जैक्टली वेयर ही हैड फाउंड इट, और दोबारा चाबी वहीं पर रख दी जहाँ से उसको वो पहले मिली थी। हिज आंट वॉज स्टिल कॉलिंग, उसकी खाला या आंटी अभी तक उसको उसके नाम यानी उसको आवाज़ें दे रही थी। वेन ही सॉन्टर्ड इन टू द फ्रंट गार्डन, जब वो टहलते हुए या चलते हुए आराम आराम से चलते हुए वो बाग के सामने पहुँचा, हूज कॉलिंग ही आज, उसने पूछा कौन बुला रहा है। मी, मैं, केम द आंसर, जवाब आया, फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द वॉल, दीवार के दूसरे हिस्से से। डिडेंट यू हीयर मी, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। आई हैव बिन लुकिंग फॉर यू इन द गूसबेरी गार्डन, मैं तुम्हें अंगूरों के बाग में ढूंढ रही थी, एंड आई हैव स्लिप्ड इन टू अ रेन वाटर टैंक, और मैं बारिश के पानी के टब में डूब फिसल गई हूँ। लकीली देयर इज़ नो वाटर इन इट, खुशकिस्मती से इसके अंदर पानी नहीं है, बट द साइड्स आर स्लिपरी, लेकिन इसकी दीवारें इतनी फिसलन वाली हैं, एंड आई कॉन्ट गेट आउट, के मैं अब बाहर नहीं आ पा सकती। फेच द लिटल लेडर फ्रॉम अंडर द चेरी ट्री, चेरी के दरख्त के नीचे एक सीढ़ी पड़ी होगी, वो जाकर लेकर आओ और मुझे उन यहाँ से निकालो। आई वॉज टोल्ड आई वॉजन टू गो इन टू द गूसबेरी गार्डन, सेड निकोलस प्रॉम्प्टली, निकोलस ने फ़ौरन से जवाब दिया, लेकिन मुझे तो अंगूरों के बाग में जाने से मना किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू पेज नंबर 99। आई टोल्ड यू नॉट टू, मैंने मना किया था तुम्हें वहाँ जाने से, एंड नाउ आई टेल यू दैट यू मे, और अब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अब तुम जा सकते हो बाग में। केम द वॉइस फ्रॉम द रेन वाटर टैंक, कहाँ से आवाज़ आई, बारिश के पानी की टैंकी में से, रादर इम्पेशेंटली, बड़ी बेसब्री के साथ। योर वॉइस डजंट साउंड लाइक आंट्स, ऑब्जेक्टेड निकोलस, निकोलस ने एतराज़ किया कि आपकी आवाज़ बिल्कुल भी मेरी खाला जैसी नहीं लगती। यू मे बी द ईविल, आप कोई बदरू हो सकती हो, कोई चुड़ैल हो सकती हो, वन टेम्पटिंग मी, जो कि मुझे वरगला रही है, टू बी डिसोबीडियंट, कि मैं अपनी खाला की नाफरमानी करूँ। आंट ऑफन टेल्स मी दैट द ईविल वन टेम्प्ट्स मी, खाला अक्सर कहा करती थी कि मुझे कोई एक बदरू या चुड़ैल वरगलाती है, एंड दैट आई ऑलवेज यील्ड, और उसके आगे मैं हार मान लेता हूँ। दैट्स टाइम आई एम नॉट गोइंग टू यील्ड, और इस वक्त मैं बिल्कुल हार नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। डोंट टॉक नॉनसेंस, बेवकूफ़ाना बातें मत करो, सेड द प्रिजनर इन द टैंक, उस कैदी ने कहा टैंकी में से, या खाला की आवाज़ आई टैंकी में से, गो एंड फैच द लैडर, जाओ और जाके सीढ़ी लेकर आओ। विल देयर बी स्ट्रॉबेरी जैम फॉर ईच, आस्क निकोलस इनोसेंटली, निकोलस ने मासूमाना सवाल किया कि आप मुझे स्ट्रॉबेरी जैम खाने को देंगी चाय के साथ। सर्टेनली देयर विल बी, हाँ यकीनन होगा, जैम आपको दूंगी, सेट द आंट खाला ने कहा, प्राइवेटली रिजॉल्विंग दैट निकोलस शुड हैव नन फॉर इट।
वो कह तो नहीं थी निकोलस को, लेकिन उनका दिल में यही ख्याल था प्राइवेटली, वो यही सोच रही थी कि मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी निकोलस को खाने के लिए। नाउ आई नो दैट यू आर द इविल वन एंड नॉट आंट, अब तो मुझे पता चल गया है कि तुम खाला नहीं हो, कोई बदरू हो या चुड़ैल हो, शाउटेड निकोलस ग्लीफुली, खुशी के साथ जो है वो निकोलस चिल्लाया, आंटी को वो तंग कर रहा था। व्हेन वी आस्क्ड आंट फॉर स्ट्रॉबेरी जैम, जब भी हम अपनी खाला से स्ट्रॉबेरी का जैम मांगते, कल मांगा था यस्टरडे, जब हमने कल को खाला से स्ट्रॉबेरी जैम मांगा, शी सेड, उन्होंने कहा, देयर वॉजंट एनी, के ख़त्म हो गया है, नहीं है जैम। आई नो देयर आर फोर जार्स ऑफ इट इन द स्टोर कबर्ड, मैं जानता हूँ कि स्टोर की जो अलमारी है उसके अंदर चार जैम की बोतलें पड़ी हैं, बिकॉज आई लुक्ड, क्योंकि मैंने देखा, एंड ऑफ कोर्स, और यकीनन यू नो इट्स देयर, आप भी जानती होंगी कि वहाँ पर चार बोतलें मौजूद हैं, बट शी डजंट, लेकिन वो तो नहीं जानती थी, खाला तो नहीं जानती थी, बिकॉज शी सेड देयर वॉजंट एनी, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि जैम ख़त्म हो गया। ओ डेविल, ओ चुड़ैल, डू हैव सोल्ड योर सेल्फ, क्या तुमने अपना ईमान बेच डाला है। There was an unusual sense of luxury in being able to talk to an aunt as though one were talking to the evil one. ऐसे गैर मामूली यानी कि अंदाज़ में बात करना आंटी के साथ बड़ा उसको अच्छा लग रहा था, ऐसे बात करना जैसे कि एक चुड़ैल के साथ बात कर रहा है। निकोलस काफ़ी इंजॉय कर रहा था, उसे मज़ा तो काफ़ी आ रहा था खाला जान के साथ एक एज़ा चुड़ैल के तौर पे बात करते हुए, लेकिन निकोलस जानता था कि बेशक वो बचगाना हरकतें कर रहा है, आंटी को तंग कर रहा है, लेकिन वो जानता था कि इसको हद से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ही वॉक नॉइजली अवे, वो शोर करता हुआ आगे को चला गया। एंड इट वॉज द किचन मेड, और फिर जो बावर्ची खाने की जो मुलाजमा थी इन सर्च ऑफ पार्सले, वो अजवाइन को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। हु इवेंचुअली रेस्क्यूड द आंट फ्रॉम द रेन वाटर टैंक, जिसने जो अजवाइन की तलाश में खाला का पीछा करती उनके पीछे आ गई और उसने जो है खाला को बारिश की टैंक पानी वाले टैंकी में से निकाला बाहर। टी दैट इवनिंग वॉज पार्टेकन ऑफ इन अ फियरसम साइलेंस, उस शाम की चाय एक खौफनाक खामोशी के आलम में पी गई। The tide had been at its highest when the children had arrived at Jagborough Cove, so there had been no sand to play on, a circumstance that the aunt had overlooked in the haste of organizing her punitive expedition. बच्चे जब जैगबरो की खाड़ी पर पहुँचे, खाड़ी मतलब गार कह लो आप, यानी कि जहाँ पर बच्चों ने जाकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना था, जब वहाँ बच्चे पहुँचे तो तब समंदर की जो लहरें थी वो काफ़ी ऊंचाई पर थी, यानी कि तूफ़ान सा महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से रेत भी नहीं थी जिस पे बच्चों ने असल में खेलना था, तो रेत ना होने की वजह से ही बच्चों का सारा प्लान कैंसिल हो गया, सारा मज़ा ख़राब हो गया। और खाला जान जो थी उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें जो इस सूरत में पैक करनी चाहिए थी, जो उनका सामान साथ पैक किया था, खाला जान उसमें भी ये चीज़ें पैक करना भूल गई थी कि अगर वहाँ पे तूफ़ान या बारिश हो तो तब आपने क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, जिसकी वजह से उनकी सैर का मज़ा ख़राब हो गया। द टाइटनेस ऑफ बॉबीज बूट्स हैड बीन डिज़ास्ट्रस इफ़ेक्ट ऑन हिज टेम्पर द होल ऑफ द आफ्टरनून, बॉबी के जो तंग बूट थे जो उसको तंग कर रहे थे उसके काफ़ी बुरे असरात मुरतब हुए थे उसके मिजाज पर, सारी दोपहर उसको गुस्सा रहा, वो रोता रहा। एंड ऑल टुगेदर, और सब के सब चिल्ड्रन बच्चे, कुड नॉट हैव बीन सेड टू हैव इन्जॉयड देमसेल्फ, बच्चे जो हैं वो अच्छी तरह से अपनी सैर का मज़ा नहीं उठा सके, मज़ा नहीं कर सके। द आंट मेंटेन्ड द फ्रोजन म्यूटनेस ऑफ वन हु हैज़ सफर्ड अनडिग्निफाइड एंड अनमेरिटेड डिटेंशन इन अ रेन वाटर टैंक फॉर 35 मिनट्स। खाला जान वैसे ही अपने चेहरे के ऊपर खामोशी जमाई बैठी थी, वो चुप थी, क्योंकि वो पूरे 35 मिनट तक जो हैं वो बारिश के पानी वाली टैंकी के अंदर गुजार की आई थी, इस वजह से वो भी चुप थी, खामोश थी। एज़ फॉर निकोलस, ही टू वॉज साइलेंट, वो भी निकोलस भी खामोश बैठा था, इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वन हु हैज़ मच टू थिंक अबाउट, वो उसी में खोया हुआ था,
उसी एक चीज़ में जिसके बारे में बहुत कुछ सोचने को था। इट वॉज जस्ट पॉसिबल, क्या ऐसा मुमकिन था? ही कंसिडर्ड, उसने सोचा, दैट द हंट्समैन वुड एस्केप विद हिज हाउंड्स वाइल द वॉल्स फीस्टेड ऑन द स्ट्रिकन स्टैग, कि जब भेड़िए शिकार किए गए 12 सिंगे की दावत उड़ा रहे हो तो शिकारी अपने कुत्तों समेत बच निकलने में कामयाब हो जाए, क्या ऐसा मुमकिन है?